गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे खुश होंगे। घर हुए मेरी तबीयत बहुत तो यहाँ काफ़ी दिनों से मलाई रखा हुआ था, तो मैं यहाँ घी खर कर रही हूँ। और घी खरने करने के बाद इसे मैं डब्बे में भर दूँगी। इतने से मलाई में कम से कम एक पाव से ऊपर ही घी निकल जाता है, तो इसका मैं घी बना रही हूँ कि एक बार मलाई मतलब खर करने से उसका जो घी निकलता है 10-15 दिन तक कम से कम चल ही जाता है खाने के लिए। तो ये देखिए मैंने खर कर लिया और इसे मैं छान दूँगी। देखिए उतने मलाई में कितना घी निकला हुआ है, आप लोग खुद ही। तो मैं मलाई में कोई दही वही नहीं डालती हूँ, डायरेक्ट सिर्फ दूध का मलाई उतारती हूँ और उसको मतलब इकट्ठा करके उसे मतलब जरा देती हूँ। उसमें कोई दही या जोरन वगैरह नहीं डाल के जमाती हूँ ना उसको मथने से मथती हूँ। तो मैंने डिब्बे में से छान लिया है घी, उधर मैं दूध रखी हूँ गर्म हो रहा है। और घी निकलने के बाद देखिए इतना घी हो चुका है। और बस इसके बाद मैं दूध खाना पीना नहीं दिखा पाती हूँ। और ये देखिए खेत में ट्रैक्टर चल रहा है, खेत जोता रहा है, क्योंकि जो पहले के पौधे मतलब उगे थे खेत में सब सूख गए थे, उसे साफ वाफ करने का यहाँ खेत जोता जा रहा है। बगल में ही खेत है तो उसमें ये जोता जा रहा है ट्रक द्वारा। और कोई गांव में आंवला देख गया था तो अम्मा कहीं अचार बनाने के लिए, तो मैं एक दिन पहले इसे हल्दी नमक डाल के रखी थी, सूख गया है। तो ये पचफोरन होता है, 5 किस्म का। इसको मैं भून लूँगी कढ़ाई में और भून कर इसको पीस लूँगी। और मिर्च भी रहेगा साथ में, तो थोड़े से ही हैं तो थोड़े से बनाना था। अम्मा मेरे को सौंफ दी बनाने के लिए, तो सारे मिक्सर को मैंने भून करके उस मिक्सर में पीस लिया है। तो ये पाचफोरन कहा जाता है। इसमें जीरा, मेथी, मंगरेल, घुड़रेल, सौंफ ये सब होता है, मिर्च रहता है। तो सब मैंने पीस लिया है और लगे हाथे मैंने मसाले को ये जो आंवले का अचार सूख गया था इसमें डाल करके थोड़ा सरसों का तेल डाल के इसे अच्छे से अपने हाथों से मिला दूंगी। और मिला करके इसके डिब्बे में डाल दूंगी। डिब्बे में डालकर इसे 2 दिन धूप में सुखाएंगे, उसके बाद तेल डाल देंगे। तो ये हमारा आंवले का अचार बन जाएगा। ये इसी समय खाने के लिए बना दिया गया है थोड़ा सा, क्योंकि आंवले का अचार उतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है घर में। मतलब अचार तो कोई जल्दी खाता ही नहीं हमारे घर में, बहुत कम ही लोग अचार खाते हैं, लेकिन फिर भी बना के रख जाता है क्योंकि देवरान लोग हैं उन लोग को या कोई भी है उन लोगों को देने काम आता है, कोई मांगता है तो। तो ये देखिए मैंने मसाला अच्छे से मिला लिया है। यहाँ बाबू मेरा पढ़ाई कर रहा है, शाम का वक्त हो चुका है, तो मैं चल रही हूँ नहा धोकर संध्या कर लूँगी। तो संध्या कर लेने के बाद छोटे छोटे सामान हैं 2-3 के, वो आप लोग को दिखा दे रही हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं गई थी हॉस्पिटल, अपने लिए दवा लाई हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट की ओर नहीं जा रहा है, तीज के दिन जो चाहिए था। तो ये मैंने एक देखिए ये फ्लिपकार्ट पर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये मैं मॉल से लेके आई हूँ। एक चोपर है ऐसे ऐसे खींचने पर ये होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें टमाटर मिर्च सब कुछ काटा जाता है, इसके अंदर ये इस टाइप का मशीन होता है, इसे चोकर बोलते हैं। मेरा काफ़ी दिन से मेरा मन था मैं फ्लिपकार्ट से मंगाना चाह रही थी, लेकिन मैं मंगा नहीं पाई हूँ। तो ये मैं गई थी तो मॉल से ही ले लिया है, मुझे बहुत पसंद आया था। मैं काफ़ी दिन से मेरा बहुत ही मन था तो मैं वहीं से लेके आई हूँ। ये देखिए इस तरीके से है ये चोकर, एक ये मैंने लिया है, एक ये अपने छोटे वाले बेटे के लिए टिफिन लिया है, काफ़ी दिन से स्कूल के लिए टिफिन बोल रहा था तो ये मैंने टिफिन लिया है। इस टिफिन में ऐसे है, एक खाना ये है और एक ये खाने हैं ये, और एक इसके अंदर एक स्पून दिया गया है और इसे बंद करने के लिए है। ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा, बहुत ही अच्छा है, तो मैं मुझे पसंद आया तो मैंने इसको एक ले लिया है। और फिर इसके बाद मैंने एक ये पर्स लिया है, इसमें 2 साइड चेन है, एक ये चेन है, ये चेन है, एक में मोबाइल रख सकते हैं और एक में और भी कुछ सामान रख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा है, ये पूरा है इस तरीके से। पीछे भी चेन दिए हैं चिलर वगैरह रखने के लिए। तो एक मैंने ये पर्स लिया है अपने लिए, और एक साड़ी मैंने ली तीज के लिए, क्योंकि हम लोगों का भी तीज आया नहीं है। हम लोगों का तीज हरितालिका का तीज होता है, वही मनाया जाता है। तो एक साड़ी मैंने लिया है ग्रीन कलर का, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैंने सोचा कि बाद में दिखाऊंगी,
भी देती हूँ, इसका पेट भी है। ये साड़ी है देखिए, ये मोबाइल में थोड़ा सा दूसरा कलर दिख रहा है, ग्रे कलर लग रहा है, लेकिन बहुत प्यारा कलर है, मुझे देखते ही बहुत पसंद आया था तो मैंने ये साड़ी लिया है। खोल के आप लोगों को उस दिन दिखाऊंगी जब मैं इसमें फॉल लगाऊंगी, और साथ में ये पेटीकोट है इसी कलर का। तो आज का वीडियो मेरा बस यही थक है, क्योंकि यह शॉपिंग वाला वीडियो था, तो मैंने कहा दिखा देते हैं, खाना वगैरह का रोज डेली दिखता ही रहता है। तो है तारिका तीज के लिए मैंने ये हरे कलर की साड़ी ली है, देखिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। यहाँ पर देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, कैमरे में कुछ